अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया। मैं हूँ नुदरत आमिर देसी जायके के साथ। आज भी हम आपके लिए बहुत मज़ेदार डिश लेकर आए हैं जो हम हमेशा कहते हैं, लेकिन आज हम फिर शान मसाले में अपनी डिश को तैयार करेंगे जो है चिकन कढ़ाई। बहुत मज़ेदार बनने वाली है आज भी हमारी डिश। हम आपको तरीक़ा बताएंगे कि हम किस तरह इसको तैयार करेंगे, और वाकई जब मैंने इसमें सारी अपनी डिशेस तैयार करी और मैंने इसको यूज़ करा तो मुझे बहुत पसंद आया ये, तो आप लोग भी ज़रूर यूज़ करें। और जिस तरह मैं आपको बताऊंगी आप उस तरह से अपनी डिश को तैयार करें और शान मसाला इसमें इस्तेमाल करें, फिर आप देखें कितने चटखारेदार आपकी चिकन कढ़ाई बनेगी। तो चलें आ जाएं, हम आपको बताते हैं कि हम अपनी डिश किस तरह तैयार करेंगे। अच्छा जी, यह है हमारी 1 किलो चिकन, और चिकन भी आप छोटे पीस में कटवाएंगे। जब हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं तो हमारे छोटे छोटे पीस होने चाहिए, तो इससे बड़ी टेस्टी और बड़ी अच्छी आपकी चिकन कढ़ाई तैयार होगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें हमारे ये सारे मसाले हैं जो हमारी चिकन कढ़ाई में शामिल होंगे। सबसे पहले हम लेंगे 2 चाय के चम्मच लहसुन हैं, उसके बाद 1 कप दही है जो 1 पाव के करीब बनती है, हमारा हरा धनिया है जो हम ऊपर से इस पर वो करेंगे, टिप टॉप करेंगे, ये हमारे टमाटर हैं, 4 से 5 अदद हमारे टमाटर हैं, ये हमारी हरी मिर्चें हैं जो हम इसको भूनते हुए भी डालेंगे, और ऊपर से जब हमारी डिश तैयार हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे ये भी हमारी 8-9 हरी मिर्चें हैं। 1/2 चाय का चम्मच हल्दी है, ये पिसी हुई हमारी हरी मिर्चें हैं जो चाय का 1 चाय का 1 चम्मचा है, और ये हसबे जायका नमक। और सबसे मज़ेदार डिश जो है वो मसाला जो है वो है हमारा चिकन कढ़ाई मसाला। ये कढ़ाई मसाले की है, आप इसको गोश्त में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, मुकम्मल सारे मसाले हैं, आपको ये डालते हुए किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है कि इसमें सारा मसाला इसमें है। अच्छा जी, ये 2 चाय के चम्मच लहसुन है हमारे जो हमने पेस्ट बना के रख लिया है, उसके बाद हमारी दही 1 कप दही है जो 1 पाव के करीब है। अच्छा जी, ये हमारे टमाटर 4 से 5 अदद टमाटर हैं जिसके हमने 2 पीस कर लिए हैं। अच्छा जी, ये हमारी हरी मिर्ची हैं, इसको हम भूनते हुए भी डालेंगे, और जब हमारी डिश तैयार हो जाएगी तो हम इसको टिप टॉप करने के लिए ये हरी मिर्ची काट के डालेंगे, और 1 अदरक का पीस, ये पिसी हुई हरी मिर्चें 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, हसबे जायका नमक, और हमारा शान मसाला जो मुकम्मल सारे मसाले इसमें शामिल हैं। तो इसके होते हुए आपको कोई मसालों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम इसमें अपनी डिश तैयार करते हैं। अच्छा जी, हम अब अपनी डिश की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं हम इसमें क्या क्या किस तरह चीज़ें शामिल करेंगे। हमने अपना चूल्हा जला दिया है, अपनी कढ़ाई रख दी है, तो चलें आ जाएं, हम लेते हैं स्टार्ट अपनी चिकन कढ़ाई का जो हम शान मसाले में बनाएंगे, चलें आ जाएं। अच्छा जी, हमने अपना चूल्हा जला लिया है और हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे ऑयल, और हम इसको तेज़ चूल्हे पर ऑयल को गर्म करेंगे। हम डालेंगे इसमें 1 कप ऑयल का, अच्छा जी ऑयल गरम हो चुका है हमारा, क्योंकि हमें इसको तेज़ चूल्हे पर फ्राई करना है ताकि इसका पानी जल्दी जल्दी खुश हो जाए। अच्छा, चूल्हा थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा अपना ताकि आपकी चिकन फौरन फौरन फ्राई हो जाए। आपको फ्राई नहीं करनी है, बस ये है कि इसका पानी फौरन खुश करना है, एकदम गोल्डन नहीं करनी है आपको, देखिए पानी खुश हो जाए तो ये है कि आपकी चिकन बड़ी ज़बरदस्त जो है वो टाइट रहती है एकदम, और गोश्त जो है बड़ा ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि चिकन कढ़ाई में आपने ज़्यादा गलाना नहीं होता गोश्त को। लेकिन चूल्हा तेज़ है ना, चिकन ने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा। अच्छा जी, अब हम इसमें देखें हमारी चिकन हो गई है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, इसको अच्छी तरह बस ड्राई करना है आपने। अब हम इसमें जो शामिल करेंगे वो है लहसुन, जो हमने चाय के 2 चम्मचे पेस्ट बना के रखा था, ठीक। इसको भी आप अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि आपकी चिकन की स्मेल वो सब ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, अब हम इसमें अपने शामिल करें हैं टमाटर, जो हमने 2 पीसेस में कर दिए थे, इसको भी हम डाल के इसको थोड़ा सा मसाले को इसके साथ हल्का सा इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। अच्छा जी, हमने इसमें टमाटर अपने शामिल कर दिए थे,
और इसको हम थोड़ा सा टमाटरों को चमचा चलाकर इसको हम रखते हैं। और अब हम जो इसमें शामिल करेंगे वो है हमारा चिकन कढ़ाई मसाला। ठीक है, ये हमारा चिकन कढ़ाई मसाला है, इसमें हम ये शामिल करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे हमने कितनी देर इसको डालकर अपनी डिश में रखा है। अब हम शामिल कर रहे हैं अपना चिकन कढ़ाई मसाला। आप पूरा 1 किलो में 1 पैकेट शामिल करेंगे, इसको हल्के हल्के मिलाते रहेंगे ताकि आपका मसाला बिल्कुल शामिल हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए आपके टमाटर में और जो हमने लहसुन डाला था इसमें अपनी चिकन के अंदर। देखिए हमारे छिलके अभी से उतरने शुरू हो गए हैं टमाटर के, टमाटर फौरन गलते हैं और हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इस पर थोड़ी देर कैप ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं बिल्कुल। फिर उसके बाद जो हम चीज़ शामिल करेंगे वो हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, हमने इसमें मसाला अपना शामिल कर लिया, थोड़ी सी देर हम इसको भूनेंगे। अच्छा, जितना आप अच्छा भूनेंगे इसको उतनी ही खुशबू आपकी डबल हो जाएगी इसकी। अभी तो खैर हम अपना कैप ढक देंगे थोड़ा सा टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए, फिर जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसको थोड़ी देर भून के जिसमें चीज़ शामिल करेंगे वो हम आपको बताएंगे। इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे और फिर हम इसको कर देंगे कैप से बिल्कुल बंद 3-4 मिनट के लिए। अच्छा जी, अब हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं हमारे टमाटर कितने गल चुके हैं, उन्होंने छिलका छोड़ दिया है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे। तो चलिए, आज हमारे ये टमाटर गल चुके हैं, उन्होंने छिलके भी छोड़ दिए हैं और अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करके हम इसमें जो चीज़ शामिल करेंगे वो है हमारी दही। अच्छा जी, अब इसमें हम अपनी दही शामिल कर रहे हैं। दही ज़रूरी नहीं आप पूरी डालें, जितनी आपको ज़रूरत हो, वो तो मैंने आपको बता दिया है कि लोगों को मसाला ज़्यादा चाहिए होता है तो आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको चाहिए हो। और अब ये हैं हमारी हरी मिर्चें जो हमने पीस के रखी थी 1 चाय का चम्मच। अच्छा, ये हमारी मिर्चें बहुत तेज़ हैं तो आपको पता होना चाहिए जब आप हरी मिर्चें पीसेंगे कि हरी मिर्चों का टेस्ट क्या है, तेज़ हैं या कम है। तो आपका जितना टेस्ट आप ज़्यादा चाहें तो आप ज़्यादा डाल लीजिए इसमें, कम अगर जिसको खानी हो तो वो कम डालें। हमारी मिर्चें तेज़ हैं तो हमने थोड़ी सी रोकी है 1 चाय के चम्मच से। अच्छा जी, अब हम इसमें जो शामिल करेंगे वो है हमारी हल्दी 1/2 चाय का चम्मच जो हमने, और उसके बाद हस्ब ज़ायका नमक। अच्छा, नमक हम इसलिए कम शामिल कर रहे हैं कि हमारे मसाला, हमने आपको बताया कंप्लीट मसाला है, शान मसाला, चिकन शान मसाला, तो इसमें हर चीज़ शामिल होती है। तो आपने नमक अपने हिसाब से डालिएगा, पहले टेस्ट कर लीजिएगा कि आपको कितना चाहिए, तो आपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल करें। देखें बस इसकी भुनाई आप अच्छी करें तो खुशबू और मसाला अच्छी तरह आपका पकना चाहिए और इसको ज़्यादा आपने गलाना नहीं। चिकन आपकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बस इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे फिर उसके बाद हम चूल्हा अपना बंद कर देंगे। हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है और फिर हम इसमें डालेंगे इसमें हरी मिर्चें और धनिया जो हमने काट के रखा हुआ है। शक्ल देखें आप कितनी गोल्डन गोल्डन हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है। हम थोड़ी सी देर के लिए 5-6 मिनट के लिए इसको स्टीम लगाएंगे अपना चूल्हा हल्का करके बिल्कुल, ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए और हमारी कढ़ाई जो हमने शान मसाले में मज़ेदार बनाई है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। तो हम इसको ढक देते हैं 4 से 5-6 मिनट तक और फिर उसके बाद हम जो चीज़ तैयार करेंगे वो है हमारी सलाद जो इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। तो चले आ जाएं, हमने खीरा लिया है, सलाद के पत्ते और मूली, जो मूली का आजकल सीज़न बहुत आया हुआ है, बहुत मज़ेदार आई हुई है, तो इसके साथ जब आप सर्व करेंगे तो बहुत मज़े की लगती है सलाद। कढ़ाई के साथ तो सलाद का मज़ा ही कुछ और है।
अच्छा जी, हमने अपनी सलाद तैयार कर ली है जो हमने जल्दी फटाफट काट ली और बड़े मज़े की लगती है ये, बिल्कुल जैसे देसी स्टाइल होता है ना अपनी, एक मज़ेदार देसी स्टाइल जो होता है सलाद का, तो हमने वो तैयार कर ली। इसमें खीरा, टमाटर और सलाद के पत्ते हमने इसमें शामिल करें और हमारी कढ़ाई भी तैयार हो चुकी है जो हमने शान मसाले में बनाई है। मज़ेदार खुशबू आ रही है, तो चलें आए देखते हैं और अपनी कढ़ाई को डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, देखा आपने उसकी शक्ल, देखें कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। और अब हम इसको करते हैं सर्व और फिर लेके हम मज़े ले के इसको खाएंगे। जब आप बनाएंगे तो आप भी खाएंगे। इसकी शक्ल देखें, क्योंकि देखें मेन मसालों का इसमें टेस्ट होता है, जायका होता है, और जो शक्ल आती है आपके मसालों की वजह से आती है। अगर आपके मसाले अच्छे हैं, मज़ेदार हैं और हर चीज़ उसमें है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपकी डिश भी बहुत शानदार तैयार होगी। अच्छा जी, अब हमने इसमें जो टिप टॉप करना है वो है हमारी हरी मिर्ची और हरा धनिया और अदरक। अच्छा जी, हमारी बेहतरीन सी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है, बिल्कुल जो हमने शान मसाले में बनाई है। यकीन करें कि इतना प्यारा इसका कलर आया है और इतनी आसानी से बनी है, क्योंकि सारे मसाले हमारे एक जगह हो गए हैं, तो हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम कोई चीज़ अलग अलग डाल के उसको भूनें और उसको अलग अलग से बताएं और एक बहुत ज़्यादा फैलावा करें अपने किचन का। तो हर चीज़ सिमट के आ चुकी है, बेहतरीन मसाले हैं, बेहतरीन खुशबू है और शक्ल तो इतनी प्यारी आई है ना चिकन कढ़ाई की कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप वो तो आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप ट्राई करेंगे इसको अपने घर में बनाएंगे तो, और आप खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए आप। अच्छा जी, देखा आपने हमने कैसे झटपट तैयार करी अपनी डिश, मज़ेदार। और बस यकीन करें जब बच्चे खाएंगे ना तो मज़े आ जाएंगे उनके, तो ये बड़े मज़ेदार है, चटकारेदार है। और जब चटकारों का नाम आता है तो मैं वैसे ही बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि अब सबको चटकारे और मज़े के मसाले और बड़ा रौनक वाला सालन चाहिए होता है, डिशेस चाहिए होती है, तो ये बिल्कुल यही सारी चीज़ें इसमें शामिल हुई हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर पसंद आएगा। बहुत मज़े का सालन बना है, बहुत मज़े की डिश बनी है जो हमने शान में बनाई है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और इसी के साथ ऐसे सलाद बनाएं जो आपका दिल चाहे, आप इसको नान के साथ खाएं, आप इसको ताफदान के साथ खाएं, आप इसको राइस के साथ खाएं, तो मुकम्मल आपका सालन और डिश तैयार होगी। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। आइंदा भी मैं आपको बहुत मज़ेदार इसी तरह की डिशेस बताऊंगी जो हमारे मसालों में होगी, तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नुदरत आमिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।